वर्ल्ड कप 2023 इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये टूर्नामेंट कमाल का गुजर रहा है। इंडियन टीम 5 मैच में 5 जीत के साथ टेबल टॉपर है। टीम हर डिपार्टमेंट में शानदार खेल दिखा रही है। बस टीम के लिए एक दिक्कत है, वो है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की इंजरी। वो फिलहाल NCA में चोट से उबर रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को होने वाले मैच में टीम में वापस आ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पांड्या टीम में आते हैं तो क्या शमी फिर से बाहर बैठेंगे। इसका जवाब पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम ने दिया है। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में चोटिल हार्दिक पांड्या टीम में नहीं थे। मैच में मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था और शमी ने मौके पर चौका मारकर पंजा लगा दिया, यानी उन्होंने मैच में 5 विकेट लिए, जिसके बाद दिग्गज पाकिस्तानी बॉलर वसीम अकरम ने इंडियन टीम मैनेजमेंट को जरूरी सलाह दी है। उन्होंने स्पोर्ट्स कीड़ा से बात करते हुए कहा, हार्दिक पांड्या के नहीं होने के बाद भी टीम इंडिया का स्क्वाड अच्छा है, अगर वो फिट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शमी को ड्रॉप करना काफी मुश्किल है। मेरे हिसाब से टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक को खिलाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हैमस्ट्रिंग इंजरी में ऐसा होता है कि शुरुआत में आप अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन मैच में आपकी मांसपेशियां खिंच सकती हैं, इसलिए हार्दिक को 100% ठीक होने दें और फिर आप उन्हें खिला सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। वो बॉलिंग के समय गेंद को रोकने के प्रयास में चोटिल हुए थे। फिलहाल उनकी वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हार्दिक के चोटिल होने के बाद न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ शमी को उतारने का फैसला किया गया, जो सही साबित हुआ। मतलब 10 ओवरों में 54 रन देकर 5 विकेट चटकाए। शमी ने मैच में अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग को बोल्ड कर दिया। इसके बाद उन्होंने फॉर्म में चल रहे रचिन रविंद्र सहित 4 और बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शानदार प्रदर्शन के लिए शमी को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रविराज ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज ललन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये। यार देखे वही तुम्हारे इंदौरी, तो वही इंदौरी चलेगी। राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।